सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार एक आदमी है उसने रास्ते पर चलना शुरू किया और वो रास्ता उसे उसके लक्ष्य तक ले जाने में समर्थ था पर हुआ क्या पथिक ने विचार नहीं किया और उस रास्ते को छोड़ दिया और वो उजाड़ में फिरने लगा हम जिस चित्त से जिस मन से जीवन को जीना शुरू करते हैं उस चित्त से उस जीवन के अंत तक नहीं पहुंचते हैं और बीच में हमारा मन बदल जाता है हमारा तरीका बदल जाता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते ऐसे लगता है जैसे हम रास्ते से भटके हुए हो गए हैं छोटे से बच्चे को देखो उसका जीवन कैसा होता है और जब कोई जवान हो गया हो तब उसका चित्र देखो उसका मन देखो और कोई जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर और उसका मन उसको देखो बूढ़ा आदमी हमेशा ही कहीं खोया हुआ सा लगता है किसी दूसरी ही दुनिया में जीता है वो ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही आदमी है जो 20 साल पहले था कैसे कैसे ऐसे हो जाता है रास्ता कैसे खो जाता है और हम जहां के लिए चलते हैं वहां न पहुंच करके कहीं और पहुंच जाते हैं संत कहानी कहा करते हैं एक चित्रकार ने अपनी जवानी में किसी ऐसे युवक का चित्र बनाना चाहा था जो हर तरीके से प्रतिभा संपन्न हो और जिसमें एक सुंदर भविष्य दिखता हो जो देखने में सुंदर हो और उसको देख करके दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सके उसने एक ऐसा ही चित्र बनाया तो कई कॉलेजेस में गया विश्वविद्यालयों में गया और उसने एक लड़के को चुना जिसका उसने चित्र उकेरा बनाया उन आंखों में एक स्वप्न था भविष्य के लिए ताजगी थी और उस चित्र को देख करके माता पिता को भी लगता था कि हमारा बेटा भी ऐसा ही हो ऐसे युवक का चित्र उसने बनाया उस चित्र की तमाम प्रतिकृतियां लोगों में बटी लोगों ने खरीदी लोगों ने अपने घरों में लगाया और अपने बच्चों को बताते थे देखो तुम्हें ऐसे ही बनना है और जीवन का एक लंबा अरसा जी करके जब वो चित्रकार बूढ़ा होने लगा थोड़ा उसके मन में आया मैं अब एक ऐसा एक चित्र बनाऊं एक ऐसे आदमी का जो खूंखार हो जो खतरनाक हो और जिसको देख करके लोग कहें कि भाई हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है हमें इस तरीके का जीवन नहीं जीना है जैसा ये जी रहा है तो ऐसे खतरनाक आदमी की तलाश में वह जेल में गया जंगलों में गया डाकुओं के पास गया एक जेलर ने बताया कि हमारे यहां अभी अभी एक खूंखार डांकू आया है तुम चाहो तो उसकी फोटो बना सकते हो तुम देख सकते हो लेकिन वो कब हमला कर दे हम नहीं जानते हैं उसने कहा ठीक है मिलाया जाए तो ज, बेड़ियों में जकड़ा हुआ वो कैदी लाया गया और उसकी आंखों में क्रोध था गुस्सा था वो देखने में ही हत्यारा लगता था चित्रकार ने उस बेड़ियों में जकड़े हुए कैदी का चित्र बनाया और पूरी बखूबी बहुत तरीके से उसने उस कैदी को अपने चित्र में उकेरा कैदी ने कहा तुम वही चित्रकार हो ना जिसका तुमने जवानी में एक फोटो बनाया था एक युवक का चित्रकार ने कहा हां तुम्हें कैसे पता उस कैदी ने कहा मैं वही हूं मैं वही हूं जिसका तुमने जवानी में फोटो बनाया था ना लेकिन कुछ जीवन में ऐसा हुआ और मैं अब इस रास्ते पर उतर आया और अब मेरी मृत्यु निश्चित है मुझे फांसी होनी है चित्रकार ने सिर पीट लिया कुछ वर्षों के अंतराल में हम कहां से कहां पहुंचते हैं जीवन का जो सपना होता है आंखों में वो कहीं खो गया होता है और फिरे उजार उजार जैसे कोई उजाड़ में फिर रहा हो भटक रहा हो बस बूढ़ों को देखता हूं उनसे बातें करो जरा बेटे की शिकायत बहू की शिकायत पत्नी की शिकायत हर चीज से शिकायत उन्हें होने लगती है ये तो अच्छा है कि बूढ़ों को यमराज बुला लेता है कि तुम आ जाओ ये अच्छा है क्योंकि जो जो चीज वो मानते थे वो सब कुछ बिगड़ सा गया है उन्हें पसंद नहीं आता हम जो अपना जीवन जीते हैं उसमें हम अपने से ही पूछें और अपने को ही देखें कभी किसी बूढ़े को देखो तो उसको हंसो मत ये सोचो कि देर सवेर यहीं तक पहुँचोगे जिस ढंग से जी रहे हैं हम देर सवेर यही पहुँचना है यही गंतव्य है हमारा भी साहब कहते हैं रास्ते का इसमें क्या दोष सुख का रास्ता वो तुमने छोड़ दिया जो रास्ता तुम्हारे गुरुओं ने बताया जो संत ने बताया जो समाज में स्वीकृत है उसको तुमने छोड़ दिया और अब अब तुम एक ऐसी कठिन राह पर चल रहे हो मन की राह पर चल रहे हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ जीवन का अंत कैसे होगा दुखद अंत तो होगा मुंह थोड़ा साफ रखो जब अपनी हथेली दिखाओ तो हथेली में पान की रगड़न ना हो दांत शिकायत ना करते हो, और जब बोलो तो सभ्यतापूर्वक बोला जा सकता है कोई ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमें सब लोग जाने समाज में जरूरी नहीं है उससे हमारा कुछ नहीं बनना है हां जो हमें जानते हैं वो हमें समझें कि ठीक है बस बाकी हर आदमी को हर कोई नहीं जान सकता राह बिचारी क्या करे जो पंथी ना चले विचार अपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार थोड़ी कुछ बातें कही